Hey guys, welcome back to my YouTube channel Chandra Vlogs. तो guys, आज हमारे पे है Maruti 800. तो इस गाड़ी पे हम करेंगे फीचर थोड़ा बहुत, और अगर आपको भी कोई गाड़ी फीचर करवानी हो मेरे चैनल पे तो Instagram पे ID नीचे आ रहा होगा, उस पर जाके फॉलो करके DM करो कि भाई मुझे भी अपनी गाड़ी फीचर करवानी है आपके चैनल पे, तो मैं कर दूंगा. तो गाइस, इस गाड़ी पे बात करते हैं. गाड़ी की कंडीशन देखो, बिल्कुल सही है. और जो गाड़ी रखने पे है डिपेंड, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, गाड़ी तो गाड़ी होती है. और गाड़ी बनाने पे आए, बहुत बढ़िया तरीके से बना रखी है. तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा, जिन भाई पे मारुति 800 पे आइडिया हो जाएगा कि ना क्या क्या मैं गाड़ी में करवा सकता हूँ और क्या क्या करवाना है. मैं तुम्हें अभी एक एक चीज दिखाऊंगा, बढ़िया तरीके से दिखाऊंगा. इसका बोनट खोल के, इंजन खोल के, सीट कवर भाई ने बढ़िया बनवा रखे हैं, और हैंडल पे कवर अच्छा लगा रखा है, मतलब बहुत अच्छा प्रॉपर बना रखा है इसको. तो चलो एक बार ना इंजन पे आते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं. हाँ तो गाइज, जैसे कि अभी आपको जो वीडियो देखोगे आप, उसका पहले बिफोर देख लो. बिफोर गाड़ी ऐसी थी और आफ्टर उन्होंने ऐसी बना दी है गाड़ी. तो आप पहले बिफोर देखो फिर आफ्टर देखना. तो गाइज ये है कुछ ऐसी. और भाई ने नंबर प्लेट चेंज करवाना पड़ेगा. भाई आपको नंबर प्लेट HSRP करवानी पड़ेगी नंबर प्लेट को. आज आज कल में आ जाएगी. तो भाई इसका पहले तो लोगो देखो, लोगो भी चेंज है, बिल्कुल सिल्वर कलर का होता है, इनको गोल्डन करा रखा है इन्होंने. और भाई ये पेंट करवा रखे क्या आपने पूरी? ये बम्पर पेंट है. बम्पर पेंट है. मैं आपको एक बार बोनट खोल के दिखाता हूँ. इंजन देखो कितना साफ है, कितना साफ है, कितना साफ सुथरा इंजन दे रखा है. कंडीशन देखो इंजन की, मैं आपको एक बार पूरा बी रोल दिखा देता हूँ गाड़ी का, आगे से लेके पीछे तक कैसे. देखो इसकी एक बारी ये भी स्मोक कर रखी है, दोनों कर रखी है स्मोक. लुक बहुत जबरदस्त आती है पीछे से स्मोक करवा लोगे तो. ये शीशे भी ब्लैक है ना, हल्के हल्के चलानी है इस पे, चलानी कट आज तक इतनी है ही नहीं. हाँ कम है. तो भाई ये हमारे ओनर है इस गाड़ी के. तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपने गाड़ी कितने की ली है? भाई मैंने ये गाड़ी 20,000 रुपए की ली थी. और अभी तक कितने रुपए लगा चुके हो इसमें? अभी तक 40,000 रुपए लग गए हैं. मैंने इसमें अलॉय, टायर, न्यू सब कुछ, सीट कवर बनवाए, सिस्टम लगवाया. तो भाई एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि इसके जो सार खत्म हो गए तो फिर तो ये आपके लिए मतलब क्या है? कुछ भी चलाओगे कैसे फिर इसको दिल्ली में? तक टाइम है, जब तक चला रहे हैं फिर यूपी भेज देंगे. यूपी चलाओगे? आपका यूपी गाँव पड़ता है ना? यूपी गाँव पड़ता है. अच्छा. तो भाई गाड़ी तो आपने बहुत अच्छी बना रखी है. अगर जैसे कि आपका काम है ना एकदम मोटर पे, बैटरी वैटरी कुछ काम है, अगर कुछ भी दिक्कत आए बैटरी वैटरी में तो भाई को कॉन्टेक्ट कर लेना. भाई एक बार ना अपना फोन नंबर ना इस पे बता दो. 9910830106. मेरा नाम है अभिषेक. तो भाई का नाम अभिषेक है, भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे. और भाई ने गाड़ी बना रखी है, एक बार मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा कैसी बन रखी है. और पीछे हमारी सुंदरी खड़ी है, वो तो दिखी रही होगी आपको, तो एक बार दिखाता हूँ. और ये जो JBL के ना जो आपने लगा रखे ना भाई, ये भाई बहुत सही मतलब बेस कर रहा है भाई, ये तो बहुत तगड़ा बेस कर रहा है. तो एक बार देखते हैं. I'm not afraid to die.
प्योर पेट्रोल ना भाई, ये तो भी अभी तक कोई सीएनजी भी यूज नहीं हुई, तो एक बार अंदर से देखते हैं, अंदर से करते हैं और एलॉय व्हील देख लो एक बार इसके। भाई एलॉय व्हील कितने के लगाए थे आपने? ये दस हजार रुपए के चारों। और टायर कितने के लगवाए थे आपने? 12.5 देख लो, 13 इंच के हैं। हाँ देख लिए, 13 इंच के हैं। कंडीशन बहुत अच्छी बना रखी है गाड़ी की, तो एक बार अंदर से चलते हैं, अंदर दिखाते हैं और चलने में कैसी, एक बार वो भी पता करते हैं। चलो एक बार अंदर सीट कवर देखो, एक बार बकेट फिटिंग सीट कवर लगवा रखे हैं भाई ने। भाई सर कितना खर्चा आ गया होगा कुछ लगभग? सीट कवर का आ गया था 4-5 हजार रुपए पूरे पूरे आगे से पीछे तक, और ये हैंडल का भी है कवर का। तो एक बार ये देखो सीट कवर देखो। मारुति 800 में ये जो है ये नीचे ये अलग से लगवाया है, देख रहा हूँ चीज बिठाने के लिए। इसमें भी ये टच स्टीरियो नहीं है, वैसे ये फोन लगा रखा है, फील देता है भाई को टच स्टीरियो का। और भाई चला कितनी रखे तो मतलब मीटर डाउन है ना इससे? वैसे तो जेनुअन चली हुई है 52,000 यार, चली हुई बहुत कम है आपकी गाड़ी तो। नीचे मैट वैट लगवाओ यार, मैट वैट बढ़िया से लगवाओ। यही लगवाए। अच्छा तो भाई जिन भाई के पास गाड़ी है ये वाली, तो ना कुछ आइडिया लेके ना ऐसी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बना रखी है, कम पैसों में अच्छी मॉडिफिकेशन करवा रखी है। जैसे एलॉय व्हील गाड़ी का लुक ही चेंज कर देती है, शीशे थोड़े बहुत काले हैं इसके, लेकिन भाई कह रहे हैं चलान नहीं कटा। भाई ये टेप पे फट रहे, टेप पे लगवाओ बढ़िया लगेगी दोबारा से। छत भी काली करवा लो उसकी पूरी छत में, वैसे चलान है काली का? नहीं लगवाई, कभी नहीं लगवाई ना, सही है नहीं लगवाई। पीछे का शीशा भी ब्लैक है ना आपका? तो गाइस देखो पीछे की सीट भी दिखा देता हूँ आपको एक बारी, पीछे की सीट भी सही है। गाइस स्टार्ट करता हूँ गाड़ी, सिंगल सेल्फ स्टार्ट है। सीट बेल्ट पहन लेते हैं, सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। भाई आप भी सीट बेल्ट पहन लो। गियर थोड़े से हार्ड है इसके वैसे ना। हैंडल पावर स्टीयरिंग है, थोड़ी दिक्कत होएगी मेरे को चलाने में वैसे, लेकिन आगे जाके सही जाती है, चलते चलते सही जाती है हैंडल इसका। और स्टीयरिंग सक्सेस नहीं है ना। हाँ इसमें ब्रेक कौन से बताए थे आपने? इसमें पावर ब्रेक है, पहले पावर ब्रेक आ रहे थे इसमें, फिर आपने चेंज करवाया था? पहले नॉर्मल थे, पावर ब्रेक करवा दिया हमने। ब्रेक भी चेक कर लेंगे आगे जाके, चलने में बहुत स्मूथ है गाइस, बहुत स्मूथ है। ब्रेक भी ठीक है, ब्रेक भी सही जगह से लग रहा है। चलने में स्मूथ है, लेकिन मेरे को थोड़ी आदत नहीं है ना इस गियर की, गियर थोड़ा शिफ्टिंग में दिक्कत हो रही है, बाकी तो सब कुछ सही है। कपल बैठ रहे हैं बहुत साफ सुथरी गाड़ी है एक तो ये। और दोबारा यही बोलूंगा कि जिन भाई के पास मारुति 800 है, जैसे कि मेरे दोस्त पे भी एक मारुति 800 है, पता वो भाई उसमें मारुति 800 है, लेकिन उसने जो है ना गाड़ी बिल्कुल ठंडा सी बना रखी है, उसके भी साल 1.5 साल रह रहे हैं, लेकिन वो कह रहा साल बढ़वाऊंगा उसके में। दिलवा दो हमें, हम ले लेंगे। अच्छा साल रह रहे हैं, साल भर कुछ रह रहे हैं। प्योर पेट्रोल है उसके भी। चलने में तो बिल्कुल परफेक्ट है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं चलने में। टाइम टू टाइम सर्विस करवाइए ना आपने इसके? अभी 2-3 महीने हुए लिए हुए। अच्छा आपको गाड़ी लिए हुए 2-3 महीने हुए? अच्छा तो ये मतलब कंडीशन में कैसी थी जब आपने ली थी? एक बार ना पुरानी फोटोज मेरे को भेज देना, ठीक है? आप न्यू ऑप्शन के भेज दीजिए मेरे को, मैं न्यू भी है सारी। हां अच्छा इसमें पेंट वेंट का भी वर्क करवाया हुआ आपने इसमें पहले? बम्पर पेंट हुआ था, एक बोनट पेंट हुआ था। शीशे में भी वो लगा रखा है आपने, पार्किंग वाला वो जो है ना ब्लाइंड स्पॉट लगा रखा है। मतलब गाड़ी में छोटी छोटी चीजें भी ना बहुत बहुत होती है, बना रखी है, एक चीज बना रखी है भाई ने। एसी भी लगा हुआ है। हाँ एसी भी लगा हुआ है भाई, एसी वाला था ना ये तो, एसी वाला होगा ना पहले,
ये पहले एसी नहीं आता था इसमें। नहीं एसी आया था। ये लगाते हैं दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस मैंने ब्लाइंड स्पॉट भी लगा रखा है यहाँ पे। ये देखो पार्किंग मतलब एक एक चीज ना बढ़िया बना रखी है इन्होंने। जैसे कि आपने वीडियो देख ली है तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना है और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साइड में बेल आइकन होगा उसे भी दबाना है। और हाँ जिन भाई पे मारुति 800 है या छोटी गाड़ी है मॉडिफिकेशन का शौक है तो उनको शेयर करना है, जिससे उनको ये वीडियो देख के कुछ कुछ आइडिया हो जाए कि गाड़ी में ये करवा सकते हैं ये करवा सकते हैं ये करवा सकते हैं। तो गाइज मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा इसमें कि शीशे काले का चलान है तो ये वीडियो जो है कोई प्रमोट नहीं कर रहा कि शीशे ब्लैक करवाओ कि मतलब कुछ ऐसा करो। HSRP जरूर लगवाओ दिल्ली में अगर चल रहे हो तो, कहीं भी चल रहे हो तो HSRP जरूर लगवाना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। कलर कोडेड स्टिकर भी लगवाना कंपलसरी है। तो छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, वैसे तो हर एक मॉडिफिकेशन पर चलाना, किस किस पे चलाना है किस किस पे नहीं चलाना है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए कमेंट खुला हुआ है, आप कमेंट करके बताएं। और इस पे स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि किस किस पे मॉडिफिकेशन पे चलाना है किस किस पे नहीं। तो बस इतना ही है इस वीडियो में, लास्ट में यही कहना चाहूंगा सब्सक्राइब करके जाना चैनल, आपका अपना चैनल है खुद का। और अपनी गाड़ी कोई सी भी हो आपकी, कैसी भी गाड़ी हो कैसी भी वीडियो हो शेयर करो, तुम्हारा भाई YouTube पे डाल के शेयर करेगा तुम्हारे लिए। तो बस ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड चंद्रा ब्लॉग्स।